हेलो फ्रेंड्स, मैं रॉबिन वार्म वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल रॉबिन टेक रिव्यू में। आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं ब्लपंग के SBA 10 स्टैंड अलोन साउंड बार का। दोस्तों, ब्लपंग के इस साउंड बार में कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। आप ब्लूटूथ के थ्रू इसमें कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल के दौरान वॉइस की क्या क्वालिटी होती है, मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से रिसीव होता है बॉक्स ब्लपंग के साउंड बार का। बॉक्स के लेफ्ट साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, जिन्हें हम वीडियो के स्पेसिफिकेशन वाले पार्ट में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और बॉक्स के राइट साइड में ब्लपंग की ब्रांडिंग है और साथ में कंट्री ओरिजिन जर्मनी लिखा हुआ है। एंड फ्रेंड्स, जर्मनी इज वेरी वेल नोन फॉर डेवलपिंग कटिंग एज ऑडियो टेक्नोलॉजी सिंस 1924। पैकेजिंग की बात करें तो प्रोटेक्शन का काफी ध्यान रखा गया है। प्लास्टिक रैप के साथ साथ हार्ड फोम बॉक्स से भी प्रोडक्ट को पैक किया गया है। प्रोडक्ट के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हार्ड ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है। स्पेस सेविंग डिजाइन है। प्रोडक्ट के बीच में ब्लपंग की ब्रांडिंग दी गई है। बॉक्स के फ्रंट में आपको मिल जाती है स्पीकर ग्रिल। बॉटम में एक छोटा सा बेस स्टैंड है। साउंड बार के बैक साइड में कुछ पोर्ट्स दिए हैं और साउंड बार के टॉप साइड में भी कुछ मल्टी फंक्शंस बटन दिए गए हैं, जिनके बारे में वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। साथ में बॉक्स में आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल, एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल और एक ऑक्स केबल जिसका साइज है करीब 20 सेंटीमीटर। और आपको मिल जाता है एक वारंटी रजिस्ट्रेशन QR कोड कार्ड, जिसे स्कैन कर आप वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको वायर्ड और वायरलेस दोनों ही कनेक्टिविटी मिल जाती हैं। वायर्ड में आपको ऑक्स केबल और वायरलेस में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी रेंज अप्रॉक्स 10 मीटर है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 1200 mAh की बैटरी मिल जाती है और 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। पावर आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको 10 वाट के RMS के डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो आपको हाई क्वालिटी स्टीरियो साउंड, डीप बास और क्लियर वोकल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपको TWS का भी सपोर्ट मिल जाता है। इससे आप इस जैसे दो स्पीकर्स आपस में ब्लूटूथ से पेयर कर सकते हैं और दोनों में एक ही साउंड आएगी। प्ले पॉज बटन से आप आंसरिंग द कॉल, हंग अप द कॉल और TWS फंक्शन को ऑन कर सकते हैं। TWS फंक्शन को ऑन करने के लिए आपको प्ले पॉज बटन को 5 सेकेंड तक प्रेस करके रखना पड़ेगा। वॉल्यूम रॉकर की हेल्प से आप वॉल्यूम को अप और डाउन कर सकते हैं। साथ में FM और म्यूजिक के ट्रैक को सेलेक्ट करने के लिए आप वॉल्यूम रॉकर से ट्रैक को नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं। M मोड से आप डिफरेंट मोड्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे FM, USB, TF एंड AUX। साथ में आपको मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन एंड बिल्ट इन माइक्रोफोन माइक। तो अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स में आपको मिलता है एक स्लाइडिंग ऑन एंड ऑफ का बटन, एक 3.5 mm AUX पोर्ट, एक USB और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और साथ में आपको मिल जाता है एक USB माइक्रो B चार्जिंग स्लॉट। इसे आप मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो हेलो जी भैया, क्या हाल? ठीक है, तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया, आपकी तरह? अच्छा, हमारी तरह बढ़िया, गुड, बढ़िया ही होना चाहिए। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैंने एक ब्लपंग का साउंड बार लिया हुआ है, तो मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो उस पर कॉलिंग फैसिलिटी भी है कि आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं उसी पर्पज से तुम्हें फोन किया हूँ ताकि इसको मैं अपने ऑडियंस को सुना पाऊँ। तो अगर अगर ये डिवाइस क्या फीडबैक मांग रहे थे, अगर उससे ये कनेक्टेड है हाँ, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही ना? अच्छा, तो आवाज क्लियर नहीं, जो टाइप नहीं आना, मिक्स आवाज।
अच्छा क्लियर आनी चाहिए आवाज, जैसे फोन से नॉर्मली क्लियर नॉर्मली होती वैसे आनी चाहिए। हाँ 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 उस टाइप की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, ठीक है ठीक है, बस हमने यही यही जानना था, मतलब ट्रू रिव्यूज ही चाहिए था। क्लियर आवाज नहीं थी, मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही थी, भले मेरी जा रही हो। हाँ तुम्हारी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, बट जा नहीं रही है इधर से उधर आवाज। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्लर आ रही है। हाँ ब्लर आ रही ना। हाँ ठीक है ठीक है, बस यही यही मुझे जानना था। ठीक है तो फ्रेंड्स, कॉल की क्वालिटी को लेकर इस साउंड बार का जो रिजल्ट हमारे सामने आया है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जब भी आप इससे कॉल करेंगे तो आप जिनको कॉल कर रहे हैं उनको आपकी आवाज ब्लर सुनाई पड़ेगी और आपको उनकी आवाज साफ सुनाई पड़ेगी, तो अल्टीमेटली कॉल का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो मैं ब्लपंग कंपनी को ये सजेशन देना चाहूंगा कि वो अपने इस डिवाइस में कॉल की क्वालिटी को बेटर करें। तो फ्रेंड्स, प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से देखें तो 1000 रुपीज इस साउंड बार में इन्वेस्ट करने में इसके मल्टीपल यूज करने के साथ आपको मिल जाता है 1200 मिली एम्पेयर आर का बैटरी बैकअप, ब्लूटूथ, TWS फंक्शन, ऑक्स इन, TF कार्ड, USB इनपुट, FM रेडियो एंड वॉइस कॉलिंग। तो फ्रेंड्स, 1000 रुपीज में ब्लपंक ने आपको इतने सारे फीचर्स दे दिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर एक फीचर इसमें और ऐड होता कि इनडोर यूज करने के समय हम इसको डायरेक्ट पावर केबल से चला पाते, तब जाके ये ब्रांड परफेक्ट होता। तो फ्रेंड्स, ब्लपंग के इस साउंड बार को लेके ये था मेरा ओपिनियन। अब आपका क्या ओपिनियन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। प्रोडक्ट अगर पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इससे चैनल को और मुझे दोनों को सपोर्ट मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं रॉबिन मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।